उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश के बाद आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। एएसआई की टीम आज सुबह ज्ञानवापी परिसर पहुंची और अपना सर्वे शुरू किया। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं सहे उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फवारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं, वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई। आज कहाँ कहाँ का सर्वे होगा ये तो अभी जो हमारे टीम है वो तय करेगी। कहाँ कहाँ का सर्वे होना है, किन किन बिंदुओं पे सर्वे करेंगे? कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप तीन गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है, उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पड़ते ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ ना कुछ तो है, तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। आप लोग खुशी भी बहुत जाहिर कर रही है, ये खुशी क्या बताने की कोशिश कर रही है? काफी लंबा हम लोग इंतजार किए हैं, बहुत मेहनत की है हमारे अधिवक्तागण, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उन लोगों ने, जैसे विष्णु शंकर जैन जी हैं, उन लोग की मेहनत तो मैं कहूंगी महादेव का साक्षात उन लोग पे आशीर्वाद है कि इतना वो लोग मेहनत कर, उनके साथ साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, आज वो मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी है, क्या उम्मीद लगा के रखी है? उम्मीद तो पूरा ही है, आज से आप देखिएगा क्या क्या प्रमाण निकलने चालू हो जाएंगे, बहुत से प्रमाण ऐसे निकलेंगे कि आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव अपनी नगरी का महादेव की सारा आशीर्वाद महादेव स्वयं चलाते हैं इसको। बहुत खुश है आज हम लोग समझे रात भर सोए नहीं है, जितना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे, जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारी में, आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा, आज बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी हैं कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार भी है और आज हम लोग का सर्वे प्रारंभ हो रहा है, हम लोगों के लिए अच्छा है, बाबा की कृपा है और सर्वे शांति ढंग से हो जाए। कितने लोग अंदर रहेंगे, कौन कौन? देखिए इसमें जो है चार वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग चार अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है, हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाषचंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। कितने घंटे चल सकता है सर्वे? देखिए 7 बजे प्रारंभ होगी और कितने देर तक चलेगी इसके लिए तो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। खुशी है, रात भर सोए नहीं होंगे यार, किस तरीके से? ये सत्य है, उत्साह है, जिस लड़ाइयों को हम लोग लंबे अवसर से लड़ रहे थे आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यार। जानकारी के मुताबिक एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है।